गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा साहिल और आप देख रहे हैं अभी विजिटर। दोस्तों, झारखंड सरकार ने एक नई योजना को लागू किया है जिसमें 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो लड़कियां हैं उन्हें 20,000 रुपये एक योजना जिसका नाम है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो है उनको ये मिल रहा है। अब इसके लिए उन्हें कैसे अप्लाई करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे, ये सारी बातें आपको मैं ऑनलाइन इनके ऑफिशियल पोर्टल पर दिखाने वाला हूँ। चलिए समझते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। देखिए, कुछ इस तरह का पेज आपको दिखने वाला है। तो सबसे पहला काम है, आपको यहाँ पर देखिए योजनाएं दिखेंगी। यहाँ पे आपको जो है नागरिक सेवा नोटिस, तो आपको नोटिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अधिसूचना जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज आएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी जिसमें आपको वो योजना दिखेगी जिसका नाम है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको इस जो योजना है उसके बारे में सब दिखेगा। ये देखिए, सबसे पहले जो लोग कक्षा 8वीं में हैं उसके लिए 2500 रुपये मिलेंगे, 9वीं में 2500, 10वीं में 5000, कक्षा 11 में 5000, ऐसे ही 12वीं में भी 5000, और 18 से 19 वर्ष की आयु में बालिका को 20,000 रुपये तक मिलेंगे। अब नीचे की तरफ आते हैं कि इसमें आपको क्या क्या जो है चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें, ये सिर्फ जो फायदा मिलेगा एक परिवार में सिर्फ दो लड़कियों तक ही, दो पुत्रियों तक ही मिलने वाला है। उसके बाद जो है इसके अंदर योजना के तहत सरकारी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और ये सारे जो हैं इस तरह की कैटेगरीज हैं जिनको ये लाभ मिलने वाला है। फिर चलते हैं नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हमें चाहिए, बालिका के माता पिता का जो है माता या पिता में से किसी एक का जो है आधार कार्ड चाहिए होगा, और ऐसे ही जो बालिका की जो बैंक पासबुक की कॉपी है वो यहाँ पर चाहिए होगी। फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये भी सारी डिटेल्स हैं आपको जो पढ़नी होंगी। फिर नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसके अंदर जो लाभार्थी जो बालिका है अगर वो दिव्यांगजन है तो उसको किस क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होंगी। और ठीक इसी तरह से जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, आवेदन यानी कि अप्लाई आपको कैसे करना है। सबसे पहला काम, आपको आंगनवाड़ी सेवा केंद्र में ये जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया लेकर जाने हैं, वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा स्टेप उठाएंगे जो कि ऑनलाइन वो जो है अप्रूव करेंगे। पहले मैनुअली होगा और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया इस पर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी और योजना या किसी और विषय पर कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट में आप उसका नाम लिख सकते हैं। और डेली सरकारी जो भी नौकरियां निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके अपडेट्स देखने के लिए चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आप जा सकते हैं। वहां मैं डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स डालता रहता हूं। और देश के सभी राज्यों की योजनाएं, चाहे वो झारखंड हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सभी राज्यों की योजनाएं आप जो है चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। वहाँ मैंने सारे राज्यों की योजनाएँ जो है ऐड कर रखी हैं अलग अलग राज्य के नाम से। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।